नमस्कार दोस्तों, और क्या हाल है। तो SSC स्टेनो 2022 ऑप्शन फॉर्म को लेके काफ़ी ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है यूट्यूब में। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, RTIs, वैकेंसीज डिटेल्स सब कुछ सबके सामने हैं, चाहे वो फेसबुक ग्रुप में हो या यूट्यूब वीडियोस में हो। लगभग हर डिपार्टमेंट का RTI लग चुका है, कोई ना कोई RTI लगा ही चुका है। और उसका कौन जोनल वैकेंसी या स्टेट वाइज वैकेंसी या सिटी वाइज वैकेंसी हम सबके सामने हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स विथहोल्ड किए हैं, जिन्होंने SSC को रेफ़र कर दिया है RTI, तो वो सब डिपार्टमेंट अपना वैकेंसी वो बताए नहीं। जैसे कैट का वैकेंसी उसने बताने से इनकार कर दिया। तो इस टाइप का काफ़ी डिपार्टमेंट्स से जो अपने वैकेंसी डिस्क्लोज़ नहीं करते अभी, तो वहाँ पे भी ज्वाइनिंग के बाद ऑप्शन फॉर्म वगैरह मिलेगा, लेकिन तब तक तो देर हो चुका होगा क्योंकि ऑलरेडी आपका उस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट आप हो चुके हो। तो उसके बाद आपको जो जितना भी लिमिटेड ऑप्शन होगा, तो उसी के बीच में से आपको चूज़ करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपने एक नंबर में जो प्रायोरिटी में जोन डाला है उसी में आपको मिल जाए, क्योंकि वो सारे जोन का फिर से अलग से कट ऑफ उसका सेट होगा कैटेगरी वाइज। जैसे SSC का रिजल्ट में हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग कट ऑफ वो देते हैं, जो राइट अप देता है फाइनल रिजल्ट के साथ। उसमें आप अगर एनालाइज किए होंगे तो आपको पता होगा, तो उसी टाइप का सिस्टम है। देखिए, अभी मेरे टाइम में जैसे आप में से शायद कुछ लोगों को पता है कि आई हैव बीन सिलेक्टेड थ्रू SSC स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन 2017, जो कि काफ़ी इनफेमस हुआ था। उसके स्किल का जो डिक्टेशन था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था, क्योंकि पहली बार कोई प्रेसिडेंट स्पीच, वाइस प्रेसिडेंट स्पीच, प्राइम मिनिस्टर स्पीच आ रहा था। पहली बार कहीं मॉरिशस चले गए, कोई अफ्रीका के कोई देश में, कंट्री में चले गए, फॉरेन में चले गए, वहाँ जाके स्पीच दे रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम वगैरह वगैरह सब आ रहा है स्पीच में। इस टाइप का स्पीच पहली बार आ रहा था SSC के इतिहास में, और लोग वो चीज़ लेके काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था, और बहुत सारे वीडियोस उस टाइम में भी बनना स्टार्ट हो गए थे। अभी के जैसा नहीं, मतलब अभी तो देखिए यूट्यूबर बहुत थे, बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी बहुत लोग अभी चैनल्स है यूट्यूब में, जो कि मुझे लगता है इसका मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों ही हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको एज अ प्लस पॉइंट लेंगे, पॉजिटिवली लेंगे, या इसको नेगेटिवली लेंगे। लेकिन हमारे टाइम में 2017 में, उस टाइम में इतना इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं था, और RTIs वगैरह भी कुछ ही लोग लगाते थे, और वो इतना वीडियोस वगैरह भी नहीं आया हुआ करता था उस टाइम में। तो जो भी वो स्किल देखिए, जितना हवा इसको लेके बनाया गया था उतना भी था नहीं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम और भी जो सब टफ वर्ड्स आते थे उसको हम वी सर्कल एस डी वी या थोड़ा बहुत जो भी आता था वो करके छोड़ के चले जाते थे, नेक्स्ट वो लिखते रहते थे। अब टाइपिंग के टाइम में अगर याद आए तो टाइप कर दिया, नहीं याद आए तो छोड़ दिया, डाउटफुल हो तो मैं छोड़ देता था। क्योंकि देखिए, जितना भी टफ वर्ड्स होगा ना, वो पैसेज में, हर पैसेज में जो है थोड़ा बहुत टफ वर्ड्स होगा ही, अगर थोड़ा स्टैंडर्ड पैसेज आपको डिक्टेशन दिया जाए, अनलाइक दिस ईयर। तो टफ वर्ड्स अगर आप छोड़ दोगे तो उसमें आपका कोई नुकसान है नहीं, क्योंकि बाकी आपका एक्यूरेसी अगर ठीक हो गया तो आपको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, 5% एरर के नीचे ही आपका रहेगा। तो जो भी हो, उस बार काफ़ी बच्चे जो है, लगभग 15,000 जो पहले अपियर हुए थे उसमें से मुश्किल से 1500 ही सिलेक्ट हुए थे बाद में फाइनल उसमें सिलेक्शन में। और वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि ग्रेड सी का वैकेंसी शायद आपने देखा होगा कुछ 10-12 ऐसा कुछ वैकेंसी होगा उस टाइम में, मुझे ठीक से याद नहीं है, ऑफिशियल नोटिस में देखूंगा तो मैं करेक्टली बता पाऊंगा। लेकिन बहुत ही कम हो गया था वैकेंसी, जबकि पहले जो वैकेंसी वो लोग दिए थे बहुत ज़्यादा था, उसके बाद रिवाइज वैकेंसी लाए। तो SSC का इतिहास रह चुका है, बहुत टाइप का चीज़ जो है ये करता रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी भी टाइम में कोई प्रेडिक्शन SSC को बेस करके, या उसकी वैकेंसी लिस्ट के ऊपर बेस करके, या उसका जो रिजल्ट आया है, कट ऑफ आया, उसके ऊपर बेस करके हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये सब थोड़ा डाउटफुल होता है, अनसर्टेन होता है, और अनसर्टेन चीज़ें मुझे नहीं लगता कि इसको लेके ज़्यादा हवा बनाना चाहिए। अब आ गई बात, बहुत लोगों को आइडिया चाहिए होता है कि आगे के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करे या ना करे, तो उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, जितना भी आपका मार्क्स है, जो भी आपको लगता है 130 के ऊपर हो, 140 के ऊपर हो, 150 के आसपास आपका मार्क्स हो,
तो लगभग आप सेफ जोन में हो, ये तो बहुत लोग ही ऑलरेडी बता चुके हैं, ये कुछ नया चीज़ है नहीं, क्योंकि इस बार वैकेंसी अभी तक जो रिपोर्ट किया गया है, अगर एसएससी उसी में स्टिक करके रहे, उससे ना घटा है, तो वैकेंसी अच्छा खासा है, तो कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन उसमें भी ये दिक्कत है ना कि आप अगर ग्रेड डी में सिलेक्ट होते हो और अगर अभी आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हो, तो इसमें तो कोई लॉस नहीं है, क्योंकि डी डी का आपका ज्वाइनिंग आते आते आप इसका रिटर्न, आप अगर पॉसिबल हो तो आप दे पाओगे, ना पॉसिबल हो तो ज्वाइनिंग के बाद आप छुट्टी लेके रिटर्न दो 2023 का, क्योंकि अगर आप डी में हो तो आप सी में आने का बिल्कुल आपको कोशिश करना चाहिए। ये चीज़ तो मुझे लगता है कि प्रमोशन के लिए वेट ना करके, हर डिपार्टमेंट में ये पता करके कोई फ़ायदा नहीं है कि प्रमोशन कितने साल में है, प्रमोशन कितने साल में है ये चीज़ वो डिपार्टमेंट का जो हेड है ना वो भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कितने लोग वहाँ पे प्रमोट होने के लिए बैठे हुए हैं, वेटिंग लिस्ट में कितने हैं, सीनियोरिटी लिस्ट में आप कितने नंबर पे हो, पोस्ट कितना है वहाँ पर, आप जो प्रमोशन लेके पीए से पीएस बनोगे या स्टेनो से पीए बनोगे तो उसका पोस्ट उस कैडर में कितना है, पर्टिकुलर कैडर में, तो ये सब चीज़ के ऊपर प्रमोशनल मैटर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात, ऑप्शन फॉर्म के रिलेटेड में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 2017 में जब मैंने ऑप्शन फिलअप किया था, जिस चीज़ का मतलब मैं पहले ना ये चीज़ लेके बहुत ज़्यादा सोचता था कि ऑप्शन फॉर्म क्या करना है, कैसे फिलअप करना है, उस चीज़ में गाइडेंस बहुत कम था, राकेश लोटियाल सर का कुछ वो वीडियोज़ आते थे, एक दो ही चैनल हुआ करता था, ज़्यादा चैनल था नहीं उस टाइम में, तो ये मेरा एक मैंने क्या किया था, मेरा मैं डीपीआरडी का जो प्रेफरेंस है ना वो मैं पहले रखा था, उसके नीचे एक या दो डिपार्टमेंट नीचे मैंने सीबीडीटी रखा था, सीबीडीटी का कट ऑफ काफ़ी कम गया था, 137 ऐसा गया था यूआर के लिए, और बीपीआरडी का कट ऑफ यूआर का 149 गया था, मेरा मार्क्स था 153। आप समझ सकते हो कि बहुत अच्छा पोजीशन में था, बहुत बढ़िया से मैं चूज़ कर सकता था, लेकिन बीपीआरडी एमएचए ये जो चीज़ है ना ये मैंने पहले रखा, पता नहीं उस टाइम में मेरे दिमाग में कुछ था, और मुझे जो है आज मैं बीपीआरडी में कर्मरत हूँ, और दोस्तों विश्वास मानिए इस चीज़ का मुझे इतना सा भी खेद नहीं है, इतना सा भी पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं इसका आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे एक, डिपार्टमेंट लेके कोई खुश नहीं है, जिसको भी जो चीज़ मिलता है उसको लगता है कि उससे बढ़िया चीज़ दूसरे के पास है, ये फैक्ट है, ये आदमी का फितरत है, ठीक है, बहुत कम लोग ही जो है अपने डिपार्टमेंट लेके सेटिस्फाइड रहते हैं। सेकेंड होता है पोस्टिंग, पोस्टिंग चाहे आप जो भी दे दो, ये जो होम पोस्टिंग चीज जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी होम पोस्टिंग, इसका मतलब ये नहीं कि घर में ही आप रहोगे, पोस्टिंग घर में रह के नौकरी करोगे ऐसा नहीं है, आपको घर से रोज निकलना पड़ेगा, सुबह का रोज एक आपको ड्यूटी के लिए निकलना पड़ेगा, एक प्रॉपर आपको नींद से उठ के सब कुछ रेडी होके फ्रेश होके खाना पीना लेके सब कुछ लेके ऑफिस भागना पड़ेगा, टाइम से ऑफिस में बायोमेट्रिक लगा के ऑफिस में आपको पूरा दिन काम करना पड़ेगा, फिर शाम को आपको भाग के ऑफिस से जो है छुट्टी आपको मिले, अगर लेट सिटिंग ना हो टाइम से अगर आप निकल पाओ तो आपको जाम वगैरह फेस करके सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे आप घर लौटोगे, घर से ऑफिस का डिस्टेंस आपका कितना होगा, बहुत जगह ऐसा है कि घर से ऑफिस का डिस्टेंस बहुत है, मतलब 2-3 घंटे का ट्रैवलिंग है, 3 घंटे का ट्रैवलिंग है, अगर आप डेली 2.5 से 3 घंटे का ट्रैवलिंग एक एक साइड का कर रहे हो तो बोथ साइड का मिला के 5 से 6 घंटा आपका पूरा ट्रैवलिंग में ही चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए होम पोस्टिंग ये जो टर्म है ना ये काफ़ी ओवररेटेड टर्म है, ऐसा नहीं है कि होम पोस्टिंग मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाएगा, ज़िंदगी पूरा सेट हो जाएगी, ज़िंदगी सेट होना या ना होना वो आपके मेंटेलिटी के ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कि ज़िंदगी को सेट कैसे करना है, ये सब चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, नौकरी नहीं करेगा सेट, आप नौकरी से पहले आपके दिक्कतें अलग होंगी, नौकरी के बाद आपकी दिक्कतें चेंज होगी, ऐसा नहीं कि दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, ये चीज़ जो है प्रैक्टिकल आपको होना है। और दूसरी बात ये है कि बीपीआरडी का ज्वाइनिंग बहुत फास्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा फास्ट ज्वाइनिंग करवाया था इन्होंने, जो कि मेरा उस टाइम में ज़रूरत भी था बहुत जल्दी पोस्टिंग का, और वो पोस्टिंग बीपीआरडी ने मुझे दिया था, तो इसलिए मैं ज़िंदगी भर बीपीआरडी का शुक्रगुजार रहूँगा। तीसरा चीज़ ये है कि आज अगर मैं सीबीडीटी में होता तो मुझे जिस भी जोन में दिया गया होता तो वहीं पे मैं मुझे वहीं पे रहना पड़ता, रुकना पड़ता, मैं ट्रांसफ़र के लिए नहीं अप्लाई कर पाता, लेकिन यहाँ पे बीपीआरडी में मैंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया और फाइल वगैरह प्रोसेस करके आज मैं कोलकाता में बैठा हुआ हूँ अपने घर में, यहाँ से मैं वीडियो कर रहा हूँ,
तो चीज़ें देखिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हर चीज़ का एक अच्छा साइड है, ऐसा नहीं कि हमेशा हमको बुराई ही देखनी चाहिए। अच्छा साइड हर चीज़ का होता है लाइफ में। पॉजिटिविटी आपको ढूंढना है, आपके देखने का नज़रिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पॉजिटिविटी दिखेगा या नेगेटिविटी दिखेगा। ग्लास का खाली आधा खाली दिखेगा या आधा पानी भरा हुआ है वो दिखेगा, ये आपके ऊपर, आपके नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, ये हो गई एक बात। देखिए, आप जो है ऑप्शन फॉर्म भरने जा रहे हो, तो उससे पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें से अवगत कराना चाहूँगा। वो प्रैक्टिकल चीज़ें क्या क्या होता है जो मैंने अनुभव किया है। मैं आज सर्विस कर रहा हूँ, देखिए कुछ तो अनुभव हुआ है ना इतने साल में, तो उस चीज़ के ऊपर बेस करके मैं आपको बता सकता हूँ। मैं दिल्ली में सर्विस किया हूँ, मैं अभी कोलकाता में भी सर्विस कर रहा हूँ। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये बात आपने बहुत बार सुना होगा और ये सच्चाई भी है। आप अगर दिल्ली में नौकरी कर रहे हो, दिल्ली में नौकरी करना एक अलग फीलिंग होता है। वो कैपिटल है देश का, तो उसका एक कारण है। देयर इज़ अ रीज़न, इट इज़ कॉल्ड द एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटी, जो ट्रांसपोर्ट में आपको दिल्ली में मिलेगा, चाहे वो मेट्रो का हो, चाहे वो सरकारी बस का हो, हर चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ते, सब कुछ दिल्ली में आपको एक अलग ही लेआउट में आपको मिलेगा। वो चीज़ आपको दूसरा मेट्रो सिटी में उतना जल्दी नहीं मिलेगा, उतना बढ़िया से नहीं मिलेगा, उतना सिस्टम, वर्ल्ड क्लास सिस्टम दूसरे मेट्रो सिटी में। बहुत ही कम ऐसे मेट्रो सिटी है जहाँ पे दिल्ली जैसा वर्ल्ड क्लास सिस्टम है। तो ये हो गया दिल्ली। और दिल्ली का सबसे बड़ा एडवांटेज है काम सीखना। मैंने यहाँ आज तक, मैंने जितना भी काम मुझे पता चला है, मैंने सीखा है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ, जो भी मैंने कुछ सीखा, मेरा कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ, BPRD में फॉर्मल कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। तो आज तक जो भी मैंने काम वगैरह सीखा है वो मैंने दिल्ली में सीखा है। दिल्ली काम सीखने के लिए एक नंबर जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। होम पोस्टिंग में आप, मतलब आदमी बहुत कम सीखता है। मेरे ऑफिस में होम पोस्टिंग में बहुत लोग हैं जो हमेशा से एक ही जोन में, एक ही ऑफिस में अपना पूरा ज़िंदगी नौकरी बित काट दिए, लेकिन उनको आज भी दूसरों का सुनना पड़ता है क्योंकि उनको कोई काम ढंग का आता नहीं है, उनको हेल्प मांगनी पड़ती है हर हर किसी से, ठीक है। तो जैसे तैसे करके उनका नौकरी जो है चल रहा है, डांट खाते खाते, हेल्प मांगते मांगते, ऐसे करके चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी बाहर का दुनिया देखा ही नहीं, कभी बाहर पैर रखा ही नहीं, दूसरे ऑफिस में कभी काम किया ही नहीं। आप जितना अपने हेडक्वार्टर्स में, दिल्ली में, मिनिस्ट्रीज में जितना सीख पाओगे, उतना कहीं नहीं सीख पाओगे। और आप बोलोगे सर काम सीख सीख के क्या करना है, मुझे तो नौकरी करने से मतलब है, सैलरी तो मेरी आ जाएगी चाहे मैं सीखूँ या ना सीखूँ, वो तो आ जाएगी, लेकिन ये जो पावर, इज्जत, ये सब चीज़ होता है ना, ये सब कमाना पड़ता है। ये डिपार्टमेंट के साथ फ्री में नहीं आता है, इसको आपको कमाना पड़ता है। ऑफिस में आपका प्रेजेंस जो है आपको बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, सॉलिड नॉलेज चाहिए, उसको सीखने का जो क्षमता है वो चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए अपने मन में, हर काम को पैशन के साथ डील करना, ये बहुत बड़ी बात होती है जो कि हम हेडक्वार्टर्स में या दिल्ली की मिनिस्ट्रीज में सीखते हैं। और बाकी रीजनल जगह में इसका बहुत कम ही प्रयोग होता है, वहाँ पे आपका मैन पावर भी शॉर्टेज हमेशा रहता है और काम भी एक ही टाइप का काम घुमा फिरा के आता रहेगा, जो कि एक बोरियत का भी वो देता है, बोरियत भी क्रिएट करता है। जबकि हेडक्वार्टर में या बड़े बड़े जो मिनिस्ट्रीज़ है वहाँ पे, बड़े डिपार्टमेंट में हर टाइप का काम घुमा फिरा के आता रहता है। तो ये कुछ आपका कॉन्स हो गया। और प्रोस तो ये है ही कि घर से आप जो है नौकरी कर रहे हो, घर का खाना खा रहे हो, घर का रोटी खा रहे हो, और घर के लोगों से आप हमेशा आप रह रहे हो, उन लोगों के साथ, माँ बाप के साथ, वाइफ के साथ, बच्चे के साथ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ये गेन है, ये तो है, ये चीज़ मैं मानता हूँ। लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये अच्छे से आप ध्यान रखो। ऐसे बहुत स्टाफ मेरे ऑफिस में काम करते हैं जो कि होम पोस्टिंग में ही है, लेकिन उनको घर से ऑफिस आना और ऑफिस से घर जाने में 5 से 6 घंटा रास्ते में बिताना पड़ता है। जब तक वो पहुँचते हैं घर में, तब तक कुछ नहीं करना होता है, बस बैठ के चाय पीना है, TV देखना है, और उसके बाद खा के सो जाना है, फिर अगले दिन सुबह फिर दो भाग के ऑफिस आना है, यही रह गया है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये कुछ चीज़ है जो आपको कंसिडर करना है अगर आप डिसीशन ले रहे हो कि होम पोस्टिंग 2400 GP या ऑल इंडिया पोस्टिंग 4200 या 4600 GP, तो सोच समझ के डिसीशन लो। वीडियोस यूट्यूब में जो लोग बनाते हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो आपके हेल्प करने के लिए बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको झूठा दिलासा देने के लिए या आपको जो है भटकाने के लिए, आपको मिस डायरेक्शन, मिस गाइड करने के लिए बना रहे हैं।
उनका कोशिश यही रहता है कि आपको सही से गाइडेंस प्रोवाइड करे, आपको सही मार्गदर्शन कराए, और जो कट ऑफ वगैरह प्रेडिक्शन का आता है वो भी आप लोग ही मांगते हैं, आपको ही चाहिए होता है, तभी वो बनाते हैं। तो देखिए, बेकार में उन लोगों को गाली देके कोई फ़ायदा नहीं, आप डिमांड के हिसाब से वो लोग सप्लाई देते हैं। ये बात तो है कि एस्पिरेंट्स को चाहिए भी कि कट ऑफ किया जा सकता है, एक आइडिया चाहिए होता है तो वो वही देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वही होगा। कट ऑफ कितना जाएगा, कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, ये एसएससी के अलावा कोई नहीं बता सकता, ये सिर्फ एसएससी का प्रोसेस ही बता पाएगा जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, उससे पहले तो बाकी सब कुछ बेकार ही है मेरे लिए, इसका कोई मतलब नहीं है प्रेडिक्शन का। लेकिन बात यह भी है कि जो ऑप्शन फॉर्म आएगा उसमें आपको एक आइडिया कुछ लेके आपको उसको भरना है, आपका माइंड में आपको डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन सिर्फ आपका होगा, किसी चैनल या किसी सिलेक्टेड आदमी का बात सुन के आप अपना डिसीजन मत लो, ये आपके ज़िंदगी का डिसीजन है, क्योंकि सिलेक्शन बार बार कम ही लोगों का हो पाता है। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए कुछ कैंडिडेट्स हैं जो बार बार सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन 95% जो कैंडिडेट है वो एक ही बार सिलेक्टेड होते हैं और उसी जॉब में वो अपना पूरा लाइफ काटते हैं रिटायरमेंट तक। तो जब भी आप सोचोगे कि MEA, फॉरेन पोस्टिंग, होम पोस्टिंग, ऑल इंडिया पोस्टिंग, ये सबको अच्छे से गहराई से देखना है। बाहर के बस डिपार्टमेंट ऐसा होगा इसमें इतना पैसा मिलेगा, फॉरेन अलाउंस इतना मिलेगा, ये सब सिर्फ चीज़ नहीं देखना है, आपको पूरा जानकारी लेना है कि साल में अगर आप मिशन में बाहर रहोगे, आपका दूसरे हार्ट हार्ट कंट्री या यूरोप में भी कोई भी कंट्री में आप रहोगे, तो आप घर आने जाने का आपका क्या है, एक बार आने जाने का कॉस्ट जो है भारत सरकार बियर करेगी, उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी होता है कैसे आप आओगे जाओगे, और जो पैसा होता है उसमें जो एक्स्ट्रा अलाउंस देता है उसमें रिस्क भी होता है, और ये सब चीज़ जो है आपको कंसिडर करके देखना है, ठीक है। और एक चीज़ जो लोग बोलते हैं कि ऑल इंडिया पोस्टिंग 4200 और होम पोस्टिंग 2400, तो आप अच्छे से इस चीज़ का कैलकुलेशन करो कि 2400 ग्रेड पे में जो सैलरी आपकी बन रही है महीने का, और जो 4200 ग्रेड पे में आपका सैलरी बन रहा है महीने का, उसका जो डिफरेंस है दोनों में 10 से 15 हज़ार डिफरेंस होगा, और 15 हज़ार का डिफरेंस आपका एक साल अगर आप नौकरी करते हो 4200 में, ठीक है, मैं एक साल के हिसाब से चलता हूँ, तो 15 × 12 आप खुद ही कैलकुलेशन करके देखो कि कितना डिफरेंस होता है टोटल एक साल की सैलरी में, और वो एक साल में आप घर घर से आपके ऑफिस ऑफिस से आपका जो होम है होम टाउन वहाँ पे आप कितनी बार ट्रैवल कर सकते हो, अगर ट्रेन में ट्रैवल करोगे ट्रेन का फेयर कितना है, अगर ए बाई एयर ट्रैवल करोगे एयर का फेयर कितना है। मैं सोच लेता हूँ कि 3 महीने छोड़ छोड़ के आप ट्रैवल करो, या 4 महीने रख के आप ट्रैवल करो, मतलब साल में 3 बार, 3 महीने छोड़ के करते हो तो साल में 4 बार, तो ये हर चीज़ कैलकुलेशन करके देखो कि आपका एक्स्ट्रा फिर भी कितना पैसा हो रहा है, ये भी तो देखने वाली बात है ना। ऐसा तो नहीं कि रोज़ आप घर पे रहोगे तो कोई भी आपदा आएगी आप उसको अच्छे से संभाल लोगे, आप जब घर में रहोगे उसी टाइम में होगा ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो कभी भी पड़ सकती है ना। तो हर चीज़ जो है अच्छे से एनालाइज करके उसका सोच विचार करके आप डिसीजन लो, कोई भी किसी का बात भी जो है एकदम फाइनल नहीं है, डिसीजन फाइनल आपका ही होगा, और आपको इसको अच्छे से एनालाइज करके वेल सोच समझ के वेल कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क इसमें भी है, किसी को भी नहीं पता जो डिपार्टमेंट आपको कौन सा मिलने वाला है आपके प्रायोरिटी के हिसाब से, लेकिन जो भी होगा उसमें पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, जैसे मेरे केस में हुआ है, मेरा जो कहानी मैंने बोला, जैसे मेरे लिए कुछ पॉजिटिव भी था कुछ नेगेटिव भी था। कोई इन्फ्लुएंस या कोई बहुत बड़ा ब्रांड के पीछे मत जाइए, आप क्वालिटी देखिए, लॉन्ग लास्टिंग में आपका कौन सा वाला सही रहेगा डिसीजन वही डिसीजन आप लीजिए, शॉर्ट टर्म में आप मत सोचिए, मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में आपको सोचना है कि आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप अपने आप को कौन सी पोजीशन में देखना चाहोगे, कहाँ पे आप पहुँचना चाहोगे, आपकी जो घर में मम्मी पापा है, आपका जो परिवार में बाकी लोग हैं उनके सामने आप क्या एग्जाम्पल सेट करोगे, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब कुछ सोच समझ के आप अपना डिसीजन लीजिए, चाहे वो डिपार्टमेंट के बारे में हो चाहे वो ग्रेड पे के बारे में हो, क्योंकि देखिए नौकरी एट द एंड ऑफ द डे आप सैलरी के लिए कर रहे हो और उसके साथ रिस्पेक्ट या इज्जत के लिए आप कर रहे हो, तो ये दो चीज़ जो है पैसा और इज्जत, सोसाइटी बोलिए फैमिली बोलिए हर जगह ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको पाने के लिए
लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। आपको खुद पता है कि एक समय पे सिर्फ पैसे के लिए आपने बहुत चीज़ जो है नहीं कर पाया, आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, चाहे वो करियर में हो, चाहे अपने पढ़ाई पे हो, चाहे अपने खान पान में हो। तो क्या आप चाहोगे आपका जो अगला पुश्त होगा, अगली जेनरेशन होगा, आपका बच्चा होगा, उनको भी वैसी असुविधा रहे, वैसे दिक्कत रहे? आपको हर चीज़ जो है फ्यूचर के बारे में सोच के उसके बाद ही आप डिसीशन लो, ठीक है? और देखिए, और एक जो चीज़ है, आप डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, अच्छा डिपार्टमेंट, बुरा डिपार्टमेंट। तो देखिए, डिपार्टमेंट कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, ये सब चीज़ का मेरे लिए कोई मायने है नहीं, ये सब बातों का, कि डिपार्टमेंट अच्छा है, किसमें वर्कलोड कम होगा, वर्कलोड कम होगा, ये सब आप पहले से क्यों सोच रहे हो, ये दिमाग में आता क्यों? अभी तो आपको नौकरी नहीं मिली ना, अभी से आप वर्कलोड बारे का इसके बारे में क्यों सोच रहे हो? आपको क्या कोई भी बता सकता है कि आपका पोस्टिंग जहाँ पे होगा, जिस अफसर के पास होगा, जिस डिवीजन में होगा, जिस टेबल में होगा, वहाँ पे कितना फाइल आएगा, कितना वर्कलोड रहेगा? क्या ये पॉसिबल है? दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। तो मैं ये चीज़ मान के चलता हूँ, वर्कलोड कभी भी सेम नहीं रहता है। साल अभी इस साल में जो वर्कलोड मेरा है, अब 5 साल बाद मेरा सेम वर्कलोड रहेगा, इस चीज़ का कोई गारंटी नहीं है। मेरा वर्कलोड बढ़ सकता है, मेरा वर्कलोड घट सकता है, मेरा टेबल चेंज हो सकता है, ऑफिसर जो डेपुटेशन में आते हैं 5 साल में वो चेंज हो जाते हैं। तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रेशर कितना मिलेगा, ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आएगा या आपके ऑफिसर ज़्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेंगे, किस हिसाब से काम होगा, क्या होगा, ये किसी को नहीं पता है, कोई नहीं बता सकता। जब तक आप डिपार्टमेंट में पोस्टेड नहीं होते, जब तक आप 1 महीने कम से कम अपने नए ऑफिस में काम नहीं कर लेते, आप नहीं बता सकते कि आपका वर्कलोड ज़्यादा है, कम है, एवरेज है, क्या है। डिपार्टमेंट कोई अच्छा कोई बुरा डिपार्टमेंट नहीं होता, सारे सरकारी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट है, आप पब्लिक सर्विस कर रहे हैं सब, आप जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपका तनख्वाह बन रहा है, यही बहुत बड़ी चीज़ होता है। बाकी डिपार्टमेंट का कोई वो नहीं है, किसी के पास बढ़िया एसी ऑफिस है, किसी का अभी एसी ऑफिस बना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऑफिस ही आजकल जो है एसी का बन रहा है और अच्छे से मॉडिफाई करके उसको बनाया जा रहा है। कुछ ऑफिसेज नए होंगे, कुछ ऑफिसेज पुराने हो गए, यही सब मिला जुला के चल रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट के बारे में वैसे तो कोई नहीं बता सकता। डिपार्टमेंट अब और प्रमोशन का तो मैंने आपको बता दिया, वो भी बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि प्रमोशन डिपेंड करता है कि नेक्स्ट जो डेजिग्नेशन है उसमें कितना पोस्ट है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, और ये पोस्ट भी चेंज हो सकता है, क्योंकि कैडर रिस्ट्रक्चरिंग टाइम टू टाइम होता रहता है भाई, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और रिक्रूटमेंट रूल RR तो समय समय पर देता ही जा रहा है SSC, ऐसा ही एक रिक्रूटमेंट रूल में Grade 3 को Grade 2 बना दिया गया, अब सारे Grade 3 Grade 2 ही कहे जाते हैं, अब जो है एक ग्रेड जो है ख़त्म कर दिया गया है, अब इसके बाद जो PA होगा वो डायरेक्ट Grade 1 होगा। तो आप जो है अच्छे से सोच समझ के, ज़रूरत पड़े घर वालों से, परिवार से बात करके आप अपना ऑप्शन फिलअप कीजिए और उस हिसाब से अपना आपका आप अपना करियर जो है सेट कर लीजिए। बाकी तो वेलकम टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे, फैसिलिटीज़ एक से एक है और मज़ा पूरा आने वाला है। ये चीज़ तो कंफर्म है, चाहे आप कोई भी जॉब ले लो, अलग ही इसका सेटिस्फेक्शन अलग ही होता है नौकरी में रहने का, ये बात आप गांठ बांध के चलो, चाहे आप जहाँ कहीं भी पोस्टेड हो। सरकारी ऑफिसर का सम्मान हर जगह होता है, ठीक है? चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट। अभी टाइम है, अभी तो 1 हफ्ता हो गया, शायद नेक्स्ट वीक का है, अब बोलने के लिए कुछ भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन देखिए जब आना होगा आ जाएगा। SSC कोशिश कर रही है, उन ये ऑनलाइन सिस्टम इस बार से इंट्रोड्यूस किया है, तो अच्छे से सही से ढंग का बनाए, उसके बाद ही दे, मैं यही बोलूँगा। एक बार देने के बाद फिर सिस्टम हैंग हो गया और जो है वेबसाइट धस गया, वो सब मत करो यार, जो करोगे फुल एंड फाइनल बढ़िया से सॉफ्टवेयर बना के उसके बाद ही आप जो है ऑनलाइन ऑप्शन लो, यही मैं चाहूँगा SSC से, यही मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है गाइस? चलिए बाय।